कहानी शुरू होते ही हम दो दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम वॉलेस ब्राइटन और दूसरे का नाम टेडी है। ये दोनों ऑनलाइन पॉडकास्टर होते हैं, यानी कि वायरल वीडियो की रोस्टिंग करते हैं। इस समय ये दोनों इंटरनेट पर वायरल एक लड़के का रोस्ट कर रहे होते हैं, जो कि तलवार के कुछ मुंह दिखाते समय अपनी टांग को गलती से काट लेता है। ये लड़का इतना वायरल हो चुका था कि वॉलेस उसका इंटरव्यू लेने का फैसला करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉलेस उसे मिलने के लिए कनेक्टिकट पहुंच जाता है। वो एक कार को रेंट पे लेकर उस लड़के के घर जाता है जो कि वायरल हुआ था। वो जैसे ही पहुंचता है उसे पता चलता है कि वो लड़के ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वो वीडियो से वो इतना पॉपुलर हो गया था कि कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वॉलेस ये देखकर दुखी हो गया है क्योंकि उसका यहाँ पर आना वेस्ट हो गया। वो यहाँ से निकलकर एक बार में जाता है। वो वहाँ पर जाकर टेडी को कॉल करता है और बताता है कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद जब वॉलेस टॉयलेट में हल्का होने के लिए जाता है तो उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है। इसमें एक ओल्ड मैन हॉवर्ड हब के बारे में लिखा हुआ था, जो कि अपने लाइफ के एडवेंचर किसी के साथ शेयर करना चाहता है। उसकी लाइफ में बहुत सारी अजीब और गरीब घटनाएं हुई जो मरने से पहले वो किसी को बता देना चाहता है, और जो भी यहाँ पर आएगा उसका रहना खाना फ्री होगा। वॉलेस को ऐसे ही इंसान की तलाश थी। वो जल्दी से वहाँ पर लिखा हुआ नंबर लेता है और हार्वर्ड को कॉल करता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। हार्वर्ड बताता है कि वो किसी बायफ्रोस्ट नाम की जगह पर रहता है। वॉलेस को ये जगह नहीं पता थी, तो वो काउंटर में खड़ी दो लड़कियों से इस जगह के बारे में पूछता है, जिसके बाद वॉलेस अगले ही सीन में उसके घर की ओर निकल जाता है। वॉलेस जल्द ही उसके घर पर पहुंच जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका घर जंगल वाले इलाके में सिटी से बहुत दूर था। वॉलेस घर में आता है और उसकी मुलाकात हार्वर्ड हब से होती है, और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हार्वर्ड डिसेबल है। हार्वर्ड उसे चाय पीने के लिए कहता है, लेकिन वॉलेस पहले टॉयलेट के लिए जाता है। अब वो वहाँ से आकर चाय पीने बैठता है। हार्वर्ड उसे पूछता है कि वो क्या काम करता है, तो वो उसे हंसते हुए बताता है कि वो एक ऑनलाइन पॉडकास्टर है। अब उसके बाद हार्वर्ड जल्दी से अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि 1969 में वो सोनियन संक को एक्सप्लोर करते हुए ग्रेट व्हाइट शार्क के बारे में पता लगा रहे थे। वहाँ पर हार्वर्ड शेफ का काम करता था। उसके बाद वो बताता है कि हमारी बोट एक आइसबर्ग से टकरा गई, जिसके बाद हमारे बोट के सारे लोग मारे गए, लेकिन हार्वर्ड तैरते हुए किसी तरह किनारे पर आ गया और उसकी जान एक वॉलेस ने बचाई थी। यह सुनकर वॉलेस चौंक जाता है कि उनकी जान एक वॉलेस ने बचाई थी। हार्वर्ड उसे बताता है कि वो वॉलेस उसका सेवियर था और जब भी उसको ठंड लगती थी वॉलेस उसे ढक लेता था, और इसी के चलते हार्वर्ड ने उस वॉलेस का नाम मिस्टर टस्क रखा। और इधर वॉलेस जो कि चाय पी रहा था, उसे लगता है कि चाय में कुछ मिला हुआ था क्योंकि उसे चक्कर जैसा कुछ आ रहा था, और इसके बाद वॉलेस बेहोश हो जाता है। इधर वॉलेस बेहोशी में एक सपना देखता है कि जब वो इधर आ रहा था उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ आना चाहती थी, मगर वॉलेस उसके साथ आने के लिए अग्री नहीं हुआ और वो अकेला ही आ गया। आगे हम देखते हैं कि वॉलेस की आँख खुल चुकी है और वो एक चेयर पर बंधा हुआ है और उसे ठीक भी नहीं लग रहा। अब वॉलेस के पास हार्वर्ड आ गया है। वॉलेस उसे पूछता है कि मुझे क्या हुआ था, जिसके जवाब में हार्वर्ड बताता है कि तुम्हें कल एक स्पाइडर ने काट लिया था, जिसके बाद तुम बेहोश हो गए थे। वॉलेस को उसका पैर महसूस नहीं हो रहा, और जैसे वो कपड़ा हटाकर देखता है उसका पैर काट दिया गया है। वो हार्वर्ड से पूछता है कि ऐसा किसने किया, जिसमें हार्वर्ड बताता है कि तुम्हारे अंदर स्पाइडर के चेहर इतना फैल चुका था कि पैर को काटना ही पड़ा। ये जानकर वॉलेस बहुत हैरान होता है और कहता है कि प्लीज मेरी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, लेकिन हार्वर्ड कहता है कि डॉक्टर ने यहाँ पे सारे के सारे फोन को अलग कर दिया है और अब यहाँ पर कोई भी फोन नहीं है। वॉलेस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और अब यहाँ पर रात हो जाती है और ये दोनों एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन वॉलेस को तो अपने हाथ भी महसूस नहीं हो रहे। हार्वर्ड फिर से बताता है कि ये सब कुछ स्पाइडर की वजह से है, लेकिन अब तक वॉलेस को यकीन हो गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि अगर ये सच होता तो वो अब तक हॉस्पिटल में होता। इसके बाद वॉलेस गाली देने लगता है, जिसके बाद हार्वर्ड अपने चेयर से उठकर एक वॉलेस को जोरदार थप्पड़ लगाता है, और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हार्वर्ड हैंडीकैप नहीं है, इसका मतलब कि ये चल फिर सकता है। फिर दूसरी तरफ हम वॉलेस की गर्लफ्रेंड एली को देखते हैं, जो कि उसे मिस कर रही है और रो रही है। उसे लगता है कि वॉलेस उसे धोखा देके भाग गया, और इसके साथ उसके साथ कोई दूसरा आदमी भी होता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वॉलेस का ही फ्रेंड टैडी होता है। इसके बाद एली वॉलेस के फोन पर कॉल करती है, लेकिन वॉलेस उसके फोन से थोड़ा दूर बैठा होता है। वो जैसे ही उसके पास आने के लिए आता है उसका फोन कट जाता है। बाद वॉलेस उसे यहाँ से फोन करता है, लेकिन एली का फोन साइलेंट होता है, जिससे कि वो उसका फोन नहीं उठाती। जिसके बाद वॉलेस उसे वॉइस मेल पे सारे की सारी घटना बताता है, और उसके बाद उसे टैडी को फोन करता है, मगर टैडी एली के साथ होने से
वो उसका फोन नहीं उठाता, मगर तब तक यहाँ पर हावर्ड आ जाता है और वॉलरस को मारकर उसका फोन छीन लेता है। अब अगले दिन एली जब वॉलरस का वॉइस मेल चेक करती है तो उसे सुनकर चौंक जाती है। तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हावर्ड वॉलरस के साथ क्या करने वाला है। वो उसे एक वॉलरस में बदलना चाहता है और इस समय ये उसकी सर्जरी में लगा हुआ है। देखने से ही पता चलता है कि इसने ह्यूमन को एक वॉलरस में बनाने के लिए बहुत सी रिसर्च की है। अब काफी देर की काटपीट के बाद ये वॉयलस को वॉलरस बनाने में कामयाब हो जाता है। वॉयलस अब एक वॉलरस बन चुका है। हावर्ड ने उसकी जीभ भी काट दी है जिससे कि वो कुछ बोल ही ना पाए, जिसकी वजह से वॉयलस सिर्फ गुर्रा रहा होता है। हावर्ड ने उसके पैर की हड्डियों से ही उसके दांत बनाए होते हैं। एक सही सलामत इंसान को अपने साइको दिमाग के चलते एक पागल ने उसे एक वॉलरस में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि दिखने में ही काफी भयानक लग रहा है। इस तरफ एली और टेडी कनाडा आ गए हैं। वो यहाँ आकर एक कार रेंटल शॉप पर जाते हैं जहाँ पर वॉयलस ने कार ली थी, और उसके बाद एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और ये सारी घटना बताते हैं। लेकिन पुलिस इनकी बात मान ही नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पर हावर्ड हब नाम का कोई बंदा ही नहीं है, मगर एक आदमी के बारे में बताता है जो कि इसी नाम के आदमी के बारे में जानने के लिए आया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हावर्ड वॉयलस को टॉर्चर कर रहा है। वो जबरदस्ती वॉयलस को पानी में तैरने के लिए मजबूर कर रहा है। ये बॉडी में वॉयलस तो तैर पाएगा नहीं, इसलिए वो जैसे ही पानी के नीचे जाता है वहां पर एक और ह्यूमन वॉयलस की बॉडी पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर वॉयलस को पता चलता है कि इसने पहले भी कई इंसानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं। इस तरफ एली और टेडी उस एक्स पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचते हैं जिसका नाम गाय लिपोंटे है। गाय उन दोनों को इस हावर्ड नाम के बंदे के बारे में कुछ स्टोरीज बताता है। वो कहता है कि वो इसे कई सालों से ढूंढ रहा है और उस इंसान ने 23 लोगों की जान ली है और वो इंसानों को मॉन्स्टर में बदल देता है। आगे हम देखते हैं कि हावर्ड वॉलस के काफी क्लोज आ चुका है और उसे मिस्टर टस्क कह के बुलाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि उसको जिस वॉलस ने बचाया था उसकी याद में ये ह्यूमन को वॉलस में बदलता है और उसमें वो अपना वॉलस ढूंढता है। हावर्ड वॉलस को खाने के लिए मछली देता है क्योंकि उसे भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए उसे ये कच्ची मछली खानी पड़ती है। आगे ये तीनों एक स्टोर में जाते हैं जहाँ पर वॉलस ने एड्रेस पूछा था। ये तीनों उन दोनों लड़कियों को वॉलस की तस्वीर दिखाते हैं और वो लड़कियां कहती है कि ये आदमी यहाँ पर आया था और किसी बायफ्रस्ट नाम की जगह का पता ढूंढ रहा था। इसके बाद में ये तीनों भी वहां के लिए निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हावर्ड मिस्टर टस्क को तैरना सिखा रहा था। अब हावर्ड असलियत बताता है कि जब वॉलस ने उसकी जान बचाई थी तब भूख के चलते हावर्ड को उसी वॉलस को मार के खाना पड़ा था, लेकिन अगले ही दिन वहां पर एक शिप आ गई जिसके कारण हावर्ड को वॉलस को मारने का बहुत ही पछतावा था। जिसके बाद हावर्ड भी एक वॉलस का कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि ये दोनों आपस में लड़ सके, जिससे उसे फील हो कि मिस्टर ट्रस्क ने उसे मारते हुए सामना किया था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ये तीनों भी इस जगह पर आ चुके हैं और यहाँ कर देखते हैं तो उसे वॉलस का पैर मिलता है। फिर नीचे से चिल्लाने की आवाज आती है तो ये तीनों नीचे की ओर भागते हैं। अंदर वॉयलस और हावर्ड फाइट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फाइट खत्म होती है हावर्ड जाने के लिए निकलता है तो वॉयलस पीछे से हमला कर देता है और उसे गिरा देता है और बस उसके दांतों से लगातार मार नहीं लगता है। वो इतना खूंखार हो गया था कि उसे मारने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। जल्द ही एली और टेडी यहाँ पर आ जाते हैं और वॉयलस का ये रूप देख के चौंक जाते हैं। वॉयलस अभी भी काफी गुस्से में होता है, जिसके बाद गाय उस पर गन तंग देता है। आगे हम देखते हैं कि अब एक साल बीत चुका है और टेडी और एली एक एनिमल सेंटर में आए हैं। वो यहाँ पर वॉयलस को मिलने के लिए आए होते हैं, लेकिन एम्बेरेसिंग के कारण वॉयलस बाहर नहीं निकलता। फिर उसके सामने फिश फेंकी जाती है तो उसे खाने के लिए वॉयलस बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद एली कहती है कि वो अब भी उसे बहुत प्यार करती है और वॉयलस भी ये सुनने के बाद रो देता है। भले ही वो अब एक जानवर बन चुका हो, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी वो इंसान वाला दिल मौजूद है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 2014 की मूवी टस्क। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपका शुक्रिया। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हम आपके दिल से आभारी हैं।